ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला किया है कोरोना के कहर के बीच। यह बड़ा फैसला और फैसला यह है कि चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 2 मई को ही 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं और जिस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट ने कल इलेक्शन कमीशन को कड़े शब्दों में फटकार लगाई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ निकल गई और अब सिर्फ पूंछ ही बची है, फिर भी यह फैसला अपने आप में अहम। कुंदन सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। कुंदन, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए, फटकार का असर या फिर लग रहा है इलेक्शन कमीशन को कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए, दोनों का असर देखा जा सकता है। जिस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगा के सीधे कोरोना के लिए इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और बंगाल में जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि चुनाव में बड़ी रैलियों को बैन किया जाए और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था, हालांकि हाल में कुछ कदम जरूर उठाए गए और कहा गया कि नंबर्स कम कर दीजिए, तो इसके बाद ये तय था कि इन 5 स्टेट्स में जहां भी जो पार्टी जीतेगी हर स्तर पे बड़े पैमाने पे प्रोसेसर निकलता है, न केवल सेंटर बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में, हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने आप में एक प्रोसेसर निकलता है। और ऐसे में जब प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा है कोरोना को लेके, कोविड को लेके, बंगाल में कितने मामले आ रहे हैं, तमिलनाडु में कितने मामले आ रहे हैं, असम में कितने मामले आ रहे हैं, सो ये बताया है कि अगर वो प्रोसेसर निकला तो अपने आप में एक स्प्रेडर के तौर पे काम करेगा और उसके रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कदम उठाया गया है कि बहुत साफ कहा गया है कि जो विजय रैलियां निकलती है, जो विजय जुलूस निकलते हैं, जो पार्टी कार्यालयों में हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, अपने आप में अहम और बड़ा फैसला तो है, होते हैं पोलिंग, क्या ये भी स्थिति नहीं है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत थी तब ये फैसला नहीं लिया गया? अब एक तरह से इस मामले को और कोरोना के कहर को देखे तो साफ निकल गई बहस, पूछ बची है। बिल्कुल, ये बात अगर निर्णय बहुत पहले होते और गाइडलाइन बहुत पहले होती, कई लोगों का मानना था कि चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता था, कई लोगों को मानना था कि रैलियां वर्चुअल की जा सकती थी, तमाम तरह के आईटी के सॉल्यूशन सामने हैं आपके पास, एयर टाइम ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था, लोगों की भीड़ इकट्ठी को मेंटेन किया जा सकता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जहां तक पूछ का सवाल है, अगर पूछ के वजह से भी हजारों लाखों लोग अगर संक्रमित होते हैं तो उसको लेके भी अगर कोई कदम उठाया जाए तो उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इस रूल्स को, इस नियम को फॉलो कौन करता है, क्या स्टेट्स की एजेंसी, क्या पुलिसिंग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उस दिन प्रोसेशन के और विजय जुलूस को रोक पाती है, लोगों के खुशी को, लोगों के जोश को, लोगों को उत्साह पे कितना नियंत्रण लगा पाती है? इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। पार्टियां अपील करेंगी कि अपने कार्यकर्ताओं से लोग दूरी बना के रखें, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, उनका अमल कितना होता है।